गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर। सो गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? 31 साल की उम्र में जूलिया जॉर्ज, स्टेफी ग्राफ, टॉमी हॉस, एंजेलिक कर्बर। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें। साथ ही आपको इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो जूलिया जॉर्ज इज़ द राइट आंसर। हाल ही में भी इनका सेकेंड मैच हुआ था सिंगमंड से, जिसमें इन्होंने हार का सामना किया है। 2018 में ये सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंकिंग पर भी पहुंची थी। 31 साल की उम्र में इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू ना करने यानी कि खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है? सो आई होप आंसर आप सभी को पता ही चल चुका है, पंजाब। पंजाब इज़ द राइट आंसर। चलिए पंजाब से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। सो गाइस, पंजाब जो है वो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर कनेक्ट करता है, ठीक है। पंजाब को हार्ट ऑफ सिख कम्युनिटी कहा जाता है। इसके बाद अमृतसर, आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोगों ने सुना होगा, तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर को ढूंढा था। उनके जो फाउंडर हैं वो गुरु रामदास जी हैं। इसके अलावा जो होलीएस्ट प्लेस है वो गुरुद्वारा है, ठीक है। अब पंजाब के जो गवर्नर हैं इनका नाम बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा जो इसके मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अरमिंदर सिंह। साथ ही साथ पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। इसके अलावा हम जानेंगे कि पंजाब किसके लिए बहुत फेमस है, तो पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है, पंच नदी। पंजाब, ठीक है, पन यानी कि लैंड ऑफ 5 रिवर। अब इन 5 रिवरों के नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो दी गाइस, थर्ड क्वेश्चन इज, CBSE की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? आई थिंक अभी आप में से बहुत ज़्यादा लोगों ने शायद अभी फॉर्म भी भरा हो। इसको हम लोग CTET भी कहते हैं। इसकी 7 साल से बढ़ाकर के आजीवन कर दी गई है, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षा में अपनी रुचि दिखाते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल में एनीमिया भारत मुक्त कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29वें राज्य की सूची में पहला स्थान मिला है? तो गाइस, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो होल्ड करते हैं वो कैबिनेट रैंक के मेंबर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो करंट मिनिस्टर हैं उनका नाम मनसुख लाल मंदाविया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये 1947 में फॉर्म हुई थी, तो अब इसको टोटल 74 ईयर्स भी हो गए, ठीक है। आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, काइंडली नोट इट डाउन। सो द राइट आंसर इज़ हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? तो चलिए पहले हम जानते हैं कि एयर बबल क्या होता है। तो गाइस, एयर बबल एक तरीके का समझौता है, एस्टेब्लिशमेंट है दो कंट्रीज़ के बीच में, जो एक दूसरे को अलाउ करती हैं सेफ्टी के लिए तथा बोथ दी कंट्रीज़ टू फ्लाई पैसेंजर्स आइदर वे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि एयर बबल एक ऐसा समझौता है जिसमें दो कंट्रीज़ एक दूसरे की सुरक्षा के लिए, एक दूसरे के जो पैसेंजर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ ले जाने के लिए बिना किसी पाबंदी के साथ खड़ी होती है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है।
और अगर आप लोगों को पता है तो राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। द राइट आंसर इज़ बांग्लादेश। यहाँ पर मैं आपके लिए सारी डिटेल्स भी लेकर आई हूँ। ऐसे तो मैं खुद ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, पर इन केस अगर आपको लगता है ज़रूरी है तो आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूल में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है? आई होप गाइस यू ऑल आर अवेयर अबाउट स्मार्ट ब्लैक बोर्ड। ओके, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु एंड झारखंड। सो द राइट आंसर इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए किया है। तो आइए जानते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ विशेष जानकारी। गाइस, तमिलनाडु फॉर्म इन 1773। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, तमिलनाडु जो है वो एक साउथ इंडियन स्टेट है। जैसे कि आपने बहुत सारे टेंपल्स के नाम सुने होंगे, जस्ट लाइक मीनाक्षी, महाबलीपुरम, तो ये सब द्रविड़ियन स्टाइल के हैं। जो साउथ में जो भी हम लोगों को हिंदू टेंपल के फॉर्मेट मिलते हैं वो द्रविड़ियन स्टाइल में मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि इसके गवर्नर जो है वो है R.N. रवि। ठीक है, तो तमिलनाडु लार्जेस्ट सिटी जो है वो चेन्नई। और व्हाट इज़, अगर हम जाने तमिलनाडु में फेमस क्या है, तो तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स फेस्टिवल, इट्स टेम्पल ऑफ कॉर्स, मॉन्यूमेंट्स। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी जानकारी सही है। निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट ऑफ पार हाफ आ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? ओके, ऑटोबायोग्राफी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंद किशोर सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 1920 को आयोजित की? ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, 5 नवंबर 2021 को आयोजित होगी। सो द राइट आंसर इज़ इंडोनेशिया। ऐसा अभी चाइना से रिलेटेड भी कोयले की काफ़ी ज़्यादा खबर आ रही थी, उसके बाद हमारे इंडिया से भी आई है। तो अब देखते हैं इंडोनेशिया में जो इसकी बैठक होती है तो वो क्या रंग लाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य मार्ग को अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो द राइट आंसर इज़ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले जानेंगे महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल मुंबई है, डेक्कन प्लेट्यू पर है। इसके अलावा देखा जाए तो ये अरब सागर से लगता है। ठीक है, और महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, छत्रपति शिवाजी, अजंता केव्स फेमस है। इसी के अलावा देखा जाए तो कल्चरल हेरिटेज काफ़ी ज़्यादा है, और महाराष्ट्र इंक्लूड लाइक मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक। तो महाराष्ट्र जो है वो टूरिस्ट के लिए भी बहुत है। और फिर देखा जाए कि महाराष्ट्र में सॉफ्टवेयर पार्क है। ओके, इम्पॉर्टेंट, महाराष्ट्र है सॉफ्टवेयर पार्क इन मैनी सिटीज़ अराउंड द स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने घोषणा की कि किस देश की नौसेना नवंबर 2021 में होने वाले मालवार अभ्यास में शामिल होगी? तो इट्स ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट गाइस, भारत सरकार ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया शामिल होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दी एमस, थैंक यू गाइस। इफ़ यू गाइस लाइक दी वीडियो, डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। थैंक यू सो मच।